हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इन तीनों को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं -2/11। ठीक है, और -5/11 और -9/11। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये नंबर लाइन कहां से कहां तक हमें मिलेगा, कौन से नंबर के बीच में ये रेशनल नंबर हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बता देते हैं, ये सॉल्व अभी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो ऊपर का जो न्यूमिनेटर है ये बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर तो हर जगह सेम है लेकिन जो न्यूमिनेटर है वो बढ़ रहा है। यहां 2 था, यहां हो गया 5, यहां हो गया 9। इस तरीके से इसके बीच में जो रेशनल नंबर थे वो थे 2/11 था, तो इसके बाद वाला 3/11 हो गया। ठीक है, इसके 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 बीच में 3/11 है। ठीक है, 4/11 है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में रहेगा, तो 2/11, 3/11, 4/-4/11, -5/11। ठीक है, अब इसके बीच में -5/11 तो -6/11 हो जाएगा। ठीक है, -7/11 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो -8/11 हो जाएगा, और फिर ये 9/11 है। ठीक है, है ना। और आगे तक जब बढ़ेगा तो ये किस तरीके का हो जाएगा, 9/11 है, 10/11 है और 11/11। ठीक है, अब हमें तो ये खोजना है कि ये नंबर कहां से कहां तक के बीच में मिलेगा। तो ये जो 11/11 है इसको अगर डिवाइड करेंगे, -11/11 को अगर डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये नंबर जो है 0 से लेके -1 के बीच में मिलेगा, नेगेटिव साइड पे मिलेगा। यहीं से पता चल गया हमें, इन सभी से नहीं मतलब है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, हमें इससे भी नहीं मतलब, हमने समझने के लिए लिखा है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे कि ये नंबर्स 0 से -1 के बीच में मिलेगा नेगेटिव साइड पे, तो हम नेगेटिव साइड बना लेते हैं। यहाँ हमने 0 और नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड में होता है, तो एरो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, है ना। अब सबका जो है डिनोमिनेटर 11 है। ठीक है, -9 इज डिवाइडेड बाय 11, -5 इज डिवाइडेड बाय 11, -2 इज डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 के बीच में मिलने वाला है, तो 0 से लेके -1 के बीच में जो है सब 11 से डिवाइड है, तो इसको जो 11 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 0 से लेके -1 के बीच में। ठीक है, तो पहले यहां से लेके यहां तक 1 पार्ट, यहाँ हो गया 2 पार्ट, यहाँ हो गया 3 पार्ट, यहाँ हो गया 4 पार्ट, यहाँ हो गया 5 पार्ट, यहाँ हो गया 6 पार्ट, यहाँ हो गया 7 पार्ट, यहाँ हो गया 8 पार्ट, 9, 10, जो भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 पार्ट हो गया है। ठीक है, तो 0 से लेके 1 के बीच में हमने 11 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर पे हमें ध्यान देना है। इसका भी डिनोमिनेटर 11 है, इसका भी डिनोमिनेटर 11 है, इसका भी डिनोमिनेटर 11 है। ठीक है, तो हमें मतलब है डिनोमिनेटर से, हमने जो है 0 से 1 के बीच में डिनोमिनेटर को 11 टाइम में डिवाइड कर लिया। 0 से 1 के बीच में आना है, हमने यही बता दिया था। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1 वाला है, 1 वाला जो है ये 11 है। ठीक है, और क्योंकि हमने 0 से 1 के बीच में 11 पार्ट में डिवाइड किया, तो सभी को 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड किया, इसको भी,
इसको भी, सभी नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे, माइनस 7 को 11 से डिवाइड करेंगे, माइनस 8 को 11 से डिवाइड करेंगे, माइनस 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, माइनस 10 को 11 से डिवाइड करेंगे, और माइनस 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और माइनस 11 बाई 11 मतलब 1 ही होता है, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 1 ही मिलने वाला, ठीक। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि 11 माइनस 11 बाई 11 का क्या मतलब होता है, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, माइनस 9 बाई 11, देखते कहां मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो यहां मिल गया माइनस 9 बाई 11। और हमें क्या ढूंढना है, माइनस 5 बाई 11 कहां मिलता है, 1 2 3 4 5, माइनस 5 बाई 11 यहां मिल गया। और हमें क्या ढूंढना है, माइनस 2 बाई 11 यहां है, माइनस 2 यहां है, माइनस 2 बाई 11 ये है अब, ठीक है। तो यहां आपको सभी कुछ मिल गया, माइनस 9 बाई 11, माइनस 2 बाई 11, माइनस 5 बाई 11, सब कुछ मिल गया। अब बात बनती है कि अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाय।